अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार रहे होंगे। हम आप सबको एक बार फिर अपने चैनल हिडन ट्रेजर्स ऑफ सवाद में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे इस चैनल पर आपको सवाद से मुतालिक तारीखी और दिलचस्प मालूमात फराहम की जाती हैं कि जिनसे आप लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और आपको तारीखी मकामात का इल्म होता है। तो आज एक ऐसी ही मुनफरिद और दिलचस्प वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं कि जिसका उनवान है ज़मरुद कान मैंगोरा। सवात यूँ तो अपनी खूबसूरत वादियों और सरसब्ज़ मैदानों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन सवात की एक ऐसी सब्ज चीज़ भी है जो नहायत खूबसूरत होने के साथ साथ बेपनाह कीमती भी है। ये सवात के इलाके मैंगोरा की कानों से निकलने वाला जमरुद यानी एमराल्ड पत्थर है जिसकी मांग दुनिया भर में है। वादी सवात की पहाड़ियों से बरामद होने वाला जमरुद बैनुल अक्वामी मेयार का कीमती पत्थर है, लेकिन पाकिस्तान में कटिंग टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से इसकी सफाई और तैयारी दूसरे मुल्कों में होती है। जमरुद की एक कान मैंगोरा शहर में दरियाए सवात के किनारे पहाड़ों में लगभग 182 एकड़ रकबे पर फैली हुई है, मगर आजकल इसके सिर्फ 20 एकड़ रकबे पर खुदाई का काम जारी है। अपने इंफरादी रंग, रोशनी और अंदर नजर आने वाले पानी नुमा झलक की बदौलत दुनिया भर में मशहूर सवात की कानों का सब्ज रंग कीमती पत्थर जमरुद बदकिस्मती से हुकूमत की अदम तवज्जही की वजह से कीमती पत्थरों की मंडी में हिंदुस्तानी जमरुद के नाम से पहचाना जाता है। मुल्क में कटिंग सेंटर ना होने की वजह से सब सोना कहलाया जाने वाला कीमती पत्थर गैर मुल्की मंडियों में औने पौने दामों फरोख्त होता है। कहते हैं कि 1957 से 58 में एक हिंदू ने यहाँ जमरुद की कानों की निशानदेही की थी, फिर उसकी दरियाफ्त के बाद वाली सवाद बकायदा तौर पर हर साल इसे लीज पर दिया करते थे। जमरुद की कान दरअसल मैंगोरा शहर के शामिलात का हिस्सा थी, इसलिए जैसे ही मुनाफा हासिल होता तो वाली सवाद शामिलात के मालकान को बुलवा लेते और उनके सामने रॉयल्टी वाली रकम रख कर कहते कि इसमें आप लोगों का इतना हिस्सा बनता है, लेकिन उस वक्त उन अवाम की तरफ से ये हिस्सा लेने से इनकार किया गया। वाली सवाद वो रकम बकायदा तौर पर म्यूनसिपल कमेटी को दिया करते थे ताकि मैंगोरा की तरक्की, सफाई और आराइश व जेबाइश पर यह रकम खर्च हो। फिर जैसे ही 1971 में रियासत सवात का पाकिस्तान के साथ इल्हाक हुआ तो इस कान को एक विफाकी इदारे जेम स्टोन कारपोरेशन के हवाले किया गया। आम तौर पर लोगों में यही मशहूर है कि मस्कूरा इदारे में बड़े पैमाने पर बदउनवानी हुआ करती थी। अच्छा माल चोरी छुपे बेच दिया जाता था और खराब माल सामने लाया जाता था जिसकी कोई हैसियत नहीं हुआ करती थी। नतीजतन दुनिया भर में सब्ज सोना कहलाने वाले पत्थर की कान खसारे में जाने लगी और नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि हुकूमत को इसे ताला लगाना पड़ा। फिर यहाँ के एक मकामी ठेकेदार ने इसे 10 करोड़ रुपए सालाना ठेके पर ले लिया। इससे एक काम अच्छा हुआ कि यहाँ पर कारोबार शुरू हुआ और सबसे बड़ी बात कि अब यहाँ पर कई मजदूर काम कर रहे हैं, कई खानदानों की रोजी रोटी का सिलसिला जारी है और मकामी जेम स्टोन मार्केट में चहल पहल है। ताहम एक मसला ये है कि ये मजदूर कान कनी के साइंसी तरीकों से आगाह नहीं हैं, जिसकी वजह से कान में खोदी गई मुख्तलिफ सुरंगों के बैठने का खतरा लाहक है। यहाँ एक बात इंतहाई तशवीशनाक है कि अगर एक बार कान बैठ गई तो फिर जमरुद की उस रग तक दोबारा रसाई हासिल करना तकरीबन नामुमकिन काम होता है। माहिरीन का कहना है कि जिस पत्थर का रंग गहरा हरा होता है उसकी कीमत ज्यादा होती है और जिसका रंग कमजोर होता है
उसकी कीमत कम होती है। दुनिया भर में पैदा होने वाले जमरूद के पत्थरों में सवाद के जमरूद अपनी एक खास हैसियत रखते हैं। ये दूसरी जगहों पर पाए जाने वाले जमरूद से यकसर मुख्तलिफ हैं। इसका रंग, इसकी रोशनी और इसके अंदर नजर आने वाली पानी नुमा झलक दुनिया के किसी भी हिस्से में पैदा होने वाले जमरूद से बेहतर है। रोलेक्स घड़ियों में जमरूद और हीरे का इस्तेमाल होता है। जमरूद के सिलसिले में सवाद के जमरूद को तरजीह दी जाती है, मगर रोलेक्स की इंतजामिया बराहे रास्त सवाद से जमरूद नहीं खरीदती। यहाँ से हमारा माल सीधा बैंकॉक जाता है। ताजिर बैंकॉक से माल खरीदकर इंडिया भेजते हैं, क्योंकि वहाँ लेबर सस्ती है, जिसकी वजह से कटिंग का खर्चा इंतहाई कम आता है। वहाँ से कटशुदा माल दुनिया के बाकी हिस्सों को इंडिया के नाम से सप्लाई होता है। बाकी मानदा दुनिया को तो छोड़ें, खुद हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान में किसी को पता नहीं है कि जमरूद की बेहतरीन क्वालिटी उनके अपने ही मुल्क की है, ना कि इंडिया की। कितने अफसोस की बात है कि माल हमारा है, सरमाया हमारा है, लेबर हमारा है, कानों में मजदूर हमारे मरते हैं और बाहर का ताजिर आकर माल हमसे कर्ज लेकर उसकी थोड़ी सी तराश खराश करके सारी की सारी रकम बटोर लेता है। इस पर तरह ये कि इसे हमारे नाम की बजाय अपने नाम से बेचता है और बदले में हमें कुछ खास नहीं मिलता। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको सवाद की एक खास चीज, सवाद का एक खास हीरा नुमा पत्थर यानी जमरूद के बारे में बताया। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा और हमारी आज की ये काविश और हमारी आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो और काविश पसंद आई हो तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की मज़ीद मालूमती वीडियोस आपको मिलती रहें और आप हमारी वीडियोस से मुस्तफीद होते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए मौजू, किसी नए उनवान के साथ। जब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।